अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आया हुआ हूँ डिग रोड जंक्शन। और यहाँ आने की वजह के रहमान बाबा एक्सप्रेस में हम जाएंगे डिग रोड से कैंट स्टेशन, वो भी कराची के। और बस कुछ ही देर में रहमान बाबा एक्सप्रेस आने ही लगी है, और शायद कोई उससे पहले आप ट्रेन भी देखने को मिले तो आपको आप ट्रेन भी दिखाएंगे। और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस आ रही है कुछ ही देर में, तो आपको वो भी दिखाएंगे, और हो सका तो ट्रेन का अंदर से रिव्यू भी देंगे। चलें फिर, रहमान बाबा आती तो वह मिलते हैं आपसे। तो तकरीबन 10 मिनट इंतज़ार करने बाद 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस आ रही है डिग रोड जंक्शन पर। GU40 लोकोमोटिव लीड कर रहा है, ये आ रही पेशावर से कराची। और साथ ही साथ मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई, आप देख सकते हैं। बहुत हफ्त थी कराची में, अब मौसम अच्छा हो गया है, ठंडी हवाएं चलने लगी। चलें फिर इसमें सफ़र करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं सफ़र में। और हम रहमान बाबा एक्सप्रेस में सवार हो चुके हैं। रहमान बाबा एक्सप्रेस डिग रोड जंक्शन को छोड़ रही है, और ये अब अगला स्टॉप है इसका आखिरी, और अगला स्टॉप कराची कैंट रेलवे स्टेशन। हमारी हम इकोनॉमी क्लास में बैठे हैं, इसका आप रिव्यू देख सकते हैं। हाथ में बच्चे भी दौड़ लगा रहे हैं, वाह यार, ऐसा करना नहीं चाहिए बच्चों को, खतरे से खाली नहीं है ये बात। डिग रोड से निकलते ही मालगाड़ी से क्रॉस हुआ है, सामने देख सकते हैं आप, आए आपको सही से दिखाएं। तो हमारा सफ़र बस चल ही रहा है, बहुत आहिस्ता ट्रेन ने स्पीड कर ली है, और कुछ ही देर में हम कराची कैंट स्टेशन पहुंचेंगे। अभी कैंसर हेड स्टेशन है, तो जब पहुंचेगी कराची कैंट तो आपको वो भी दिखाएंगे वीडियो में। चले फिर कराची कैंट में डायरेक्ट मिलते हैं। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट ट्रेन चलने के बाद कैंट की तरफ रवान दवाएँ, और कैंट बस आई गया। मौसम की सूरत हाल आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बादल देखें क्या ही बात है आज कराची के मौसम की। सामने आप लाइट देख सकते हैं लोकोमोटिव की, कोई लगी हुई पावर शेड प्लेटफॉर्म पे, और सामने ये वॉशिंग लाइन पे जो सुबह ट्रेनें आई हैं उसके रैक खड़े हुए, तो अब चलेंगी शाम में रात में कोई। और ये HGMU 30 लोकोमोटिव के साथ मेहरान एक्सप्रेस पास हो रही है, मीरपुर पास के लिए निकल रही है कराची से। और बिला आखिर हमारी भी ट्रेन कराची कैंट रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुकी है। और ये 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस अभी आई है 1 घंटा पहले, तो इसका खाली रेक खड़ा हुआ है कराची कैंट पे, अभी वॉशिंग लाइन में जाएगी ये। तो अपना ब्लॉग यहीं इख्तिताम करते हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक एंड अच्छी कमेंट्स कर दीजिएगा।